मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, आप सभी को अभिनंदन समारोह में मान्य मुख्य उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी को भी बुके भेंट करके उनका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करें। श्री कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद, उनको भी एलविस द्वारा बुके भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे एल्विस को आशीर्वाद स्वरूप एक शॉल भेंट करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है, तालियां बजाइए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एल्विस की इस बड़ी उपलब्धि पर इस अभिनंदन समारोह में आशीर्वाद स्वरूप शॉल भेंट कर रहे हैं। देखिए हरियाणा के युवा जहां खेल और शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मनोरंजन के क्षेत्र में भी युवाओं ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किया है। आप सभी की तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा अंग्रेज से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। उस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और इनके स्वागत में भाई हमारे हरियाणा का यूथ हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। मैं जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाओगे आप, इन्होंने एक बारी में बोला कि मैं जरूर आऊंगा। और काफी दिक्कतें थी परमिशंस की कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी इन्होंने एक बार कहने पर मुझे परमिशन दिलाई। तो सर मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए, हमारे देश के लिए आप हो सकते हैं। भाई मारे नौजवान ने सवर राम राम, बोलो राम राम, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं अपने इस नौजवान साथी एल्विस यादव को और मैंने विराट पांड्या के एल्विस यादव को आप राव साहब कहते हैं ना, भाई अपने इस राव साहब को
मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत है, टैलेंट बहुत है, और बेस्ट को छाटा जाएगा और बेस्ट को छाटने के बाद हरियाणा उसको सम्मानित करेगा। अब जब हम 1 नवंबर को शुरू करेंगे, मालूम नहीं अनवे समय राज साहब उसमें अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ एक विशेष सम्मान हम एलविस यादव को उस दिन देंगे, विशेष सम्मान देंगे। और इस नाते से मैं आप युवकों से भी एक अपेक्षा करता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाने में आपको अपने आप को संभालना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, और युवकों का भविष्य उसके अपने प्रतिभा में ही है। आप अच्छे काम करेंगे, जो भी आपको संस्कार मिलते हैं उस नाते से आगे बढ़े। हमारे युवा, बहुत युवा कुछ गलत रास्ते पर चले हैं, उनके प्रति आपको सजग होना है, दूसरों को सजग करना है। खास करके दुनिया की एक हवा ऐसी चली है कि अपने देश में कुछ युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इसे सावधान रहना मेरे मित्रों, इसे सावधान रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, एलविस आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। बोलो भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, एलविस भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। दिन गायब था और जो ट्रॉफी जीत के लाया, मतलब आप लोगों की ट्रॉफी है, मैं अपने साथ भी लाया हूँ एक बारी। ये ट्रॉफी जो एलविस भाई को मिली है, ये एलविस भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ, जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें, ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। एलविस के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एलविस को सम्मानित किया है। वो ट्रॉफी जो जीत कर लाए थे उसे